का दुख लेके लौट रही है, क्योंकि संशय दुख देता है और श्रद्धा सुख देती है। श्रद्धा से क्या मिलता है? सुख। और संशय से क्या मिलता है? दुख मिलता है। श्रद्धा से परमात्मा मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं? श्रद्धा से परमात्मा मिलता है और संशय से मृत्यु मिलती है। संशय से क्या मिलती है? मृत्यु। संशय ये मृत्यु तक पहुंचा देता है। पहुंचा देता है कि नहीं? इतिहास के तमाम प्रमाण है कि जिस परिवार में संशय आ जाता है उस परिवार में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बोलो घट जाती हैं कि नहीं? किससे घटती हैं? संशय से ही घटती हैं, भ्रम से घटती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रमित जीवन को अगर समाप्त करना है तो कथा से जुड़ जाओ। तुम्हारा भ्रम का जीवन चला जाएगा, तुम्हारे जीवन में वो नूतन स्वरूप प्रकट हो जाएगा, वो नूतन स्वरूप प्रकट हो जाएगा, वो नया जीवन आ जाएगा, जिस नए जीवन के प्रारंभ में ही आप सामान्य नहीं, साधारण नहीं, आप भगवान के दास बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भगवान के दास। और भगवान का दास जो बन जाता है, याद रखना, हनुमान जी महाराज उसी को स्वीकार करते हैं। और जो हनुमान जी जिसको स्वीकार कर लेते हैं, याद रखना, उसके जीवन का कितना बड़ा विकास होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। उसका इतना बड़ा विकास होता है कि वो विकास प्रकाश में बदल जाता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपको दास बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दास। और दास आप कब बनोगे भगवान के? जब आप संशय दूर कर दोगे। संशय दूर कब होगा? जब श्रद्धा से कथा सुनोगे। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। ये दास वाला भाव है। ये कौन सा भाव है? दास वाला भाव है। तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहो विषम भव पीर भीर। अस विचार रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके कथा सुनते रहिए। और कथा सुन सुन करके व्यथा को दूर करते रहिए। रास्ते में भगवान मिल गए तो भगवान शंकर ने साष्टांग प्रणाम किया। किसको किया प्रणाम? भगवान को। ये भगवान की लीला है। भगवान मिल गए, साष्टांग प्रणाम किया। सती जी ने कहा ये कौन है? कहे यही मेरा परमात्मा है। कहे वो महात्मा था जहां ले गए थे, अभी परमात्मा आ गया। ये महात्मा परमात्मा ही मिलते हैं आपको, ऐसे ही आपका महात्मा, ऐसे ही परमात्मा। ये तो रो रहा है, ये रो रहा है और रो भी रहा है तो किसी रोग से व्यथित होके नहीं रो रहा है, ये वियोग से व्यथित होके रो रहा है। देखो सती जी, ये दक्ष की बेटी है ना, चतुर बाप की बेटी, वही चतुरता आ गई तो व्याख्या करने लगी कि ये रोग से नहीं रो रहा है भगवान, ये तो वियोग से रो रहा है, क्योंकि इसका पत्नी से वियोग हो गया है इसलिए रो रहा है। इसे परमात्मा कहते हैं। वो उच्च कोटि का महात्मा था कुंभज, और ये परमात्मा। भगवान शंकर ने कहा इस प्रकार की भाषा मत बोलो सती, ये ठीक नहीं है भाषा, ये तो मेरे भगवान का अपमान है। सती ने कहा भगवान रोता नहीं है, इंसान रोता है। भगवान रोता नहीं है, इंसान रोता है, ये इंसान है रो रहा है। भगवान शंकर ने कहा सती,
संशय की दृष्टि से देख रही हो, श्रद्धा की दृष्टि से परमात्मा दिखाई देता है, संशय की दृष्टि से नहीं। संशय की दृष्टि से जो ईश्वर को देखता है, ईश्वर उसे रोता हुआ दिखाई देता है, इसलिए जीव पहचान नहीं पाता है, इसलिए जीव पहचान नहीं पाता है। तुम संशय की दृष्टि से ही आज जगत में देख रहे हो, इसलिए भगवान होते हुए भी तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है, भगवान है और दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद की आंखों में श्रद्धा थी और हिरण्यकश्यप की दृष्टि में संशय था। बोलो, था कि नहीं? वो कहता था भगवान है ही नहीं, और प्रहलाद कहते थे नहीं, मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। तो कहे, कहां है भगवान? का सामने भगवान है, इस खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यप को दिखाई दिया कि खंभे में भगवान है, क्योंकि हिरण्यकश्यप की दृष्टि में संशय था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रहलाद की दृष्टि में बोलो श्रद्धा थी, इसलिए एक स्थल है, एक खंभ है, उसी खंभ को हिरण्यकश्यप देख रहा है, उसी खंभ को प्रहलाद देख रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप को खंभ दिखाई दे रहा है और प्रहलाद को नृसिंह भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये है श्रद्धा। ये क्या है? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा की दृष्टि से ईश्वर को देखोगे तो ईश्वर वहीं प्रकट हो जाएगा, तुम्हें दिखाई देगा। भगवान शिव सदा श्रद्धा लेके चल रहे हैं और सती संशय लेके चल रही है। इसलिए भगवान शिव को दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया दर्शन। शिव जी को भगवान रोते हुए नजर नहीं आए। किसको? शिव जी को। और सती जी को? सती जी को कैसे नजर आए? रोते हुए नजर आए। क्यों भाई, आए कि नहीं? और शंकर जी को रोते नहीं, वो तो भगवान है कि भगवान आ गए मेरे सामने। कौन आ गए? भगवान आ गए। भक्त जब भगवान को देखता है प्यारे, तो भक्त की आंखों में आंसू होते हैं, भगवान की आंखों में आंसू नहीं होते हैं। भगवान की आंखों में तो केवल भगवान देखता है, तो उस भक्त के आंसुओं को देख करके ही भगवान द्रवित हो जाते हैं और प्रसन्न हो करके उसे आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, कृपा कर देते हैं, है ना? दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी। आज साष्टांग प्रणिपात किया शिव जी ने, सती जी ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा देखो कर लो प्रणाम, मैं कह रहा मेरे कहने से ही कर लो। कह करूंगी बाद में प्रणाम, पहले मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा और गड़बड़ कर रही हो, अब तो और ही ज्यादा गड़बड़ कर रही हो। क्या परीक्षा क्यों ले रही हो? परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती। क्यों भाई? परमात्मा की तो प्रतीक्षा की जाती है। तू परीक्षा लेने के लिए तैयार है? अरे मैं कह रहा हूं मेरी बात पे विश्वास कर ले। जैसे अगर तुम मेरे कृपा पात्र हो, गुरु मानते हो मुझे, और मैं कह रहा हूं कि यहां प्रणाम करो, तो तुम ये कहोगे पहले परीक्षा ले लूं तब करूंगा? अरे यही कहोगे गुरुदेव आप कह रहे हैं मैं प्रणाम कर रहा हूं आज्ञा सिरोधारी? क्यों भाई? पत्नी का असली गुरु पति ही होता है, समझ ले, ले। पत्नी का असली गुरु तो पति ही होता है। आप कहोगे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। वो पति भी है और पत्नी की दृष्टि में वो जगत पति भी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है, पति के चरणों में समर्पण हो मन वचन कर्म से। तो बताइए इतना बड़ा समर्पण पत्नी के लिए बताया है, तो केवल पति के चरणों में समर्पण हो।
पति उपदेश भी देता है पत्नी को, तो जब उपदेश देता है उस समय गुरु होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो, उपदेश देते समय क्या